सबसे ज्यादा ही जमुना जी का पानी बाहर आ रहा है। क्यों आपको डर नहीं लग रहा है? क्या मुझे नहीं लग रहा? सरकार कह रही थी हम तो झीलें बनाएंगे। सरकार क्या झीलें बनाएगी, बन तो गई झील, अपने आप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बन गई अपने आप। हमारी बसों को आगे जाने ही नहीं दिया। शांतिवन से आगे पानी भरा हुआ है, हनुमान मंदिर वगैरह पूरा डूब गया है, यहाँ तक पानी आ गया है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मैडम है ही, हद से ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्या करा जाए भाई? पुराने दिल्ली की साइड क्या हाल है? पुराने दिल्ली सारा ही पानी पानी है। घूमने के लिए आए थे? हाँ, घूमने के लिए ही आए थे हम लोग। देख कर आए हैं क्या हालत है? बहुत खराब हालत है, मैं वहाँ पे देख के आ रहे हैं हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लगातार बढ़ते बारिश की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, यमुना का पानी का जो जल भराव है उसके भराव की वजह से, उसका स्तर की वजह से आईटीओ से पानी चलता चलता राजघाट की तरफ आ गया है। आप देख भी सकते हैं किस तरह से पानी का जो भराव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या दिल्ली खतरे में है? क्या कर रही है हमारी सरकार? कुछ कर रही है? कुछ उन्होंने सोचा है इस बारे में? आप देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ पे निरंतर जो है पानी का भराव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं देख रही हूँ राजघाट के द्वार पर ही किस तरह से यहाँ पे पानी बढ़ता ही जा रहा है। लोग तो आना जाना कर रहे हैं, हम लोगों से भी खास बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है। यहाँ पे आईटीओ से यहाँ तक पानी आ गया है, दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मैडम है ही, हद से ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्या करा जाए भाई? सरकार कर रही है कुछ या नहीं कर रही? अब करेगी तो सरकार बताएगी, हम तो कोई बता नहीं सकते मैडम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लोग आ रहे हैं घूमने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बारिश इसके बाढ़ के चक्कर में कोई घूमने नहीं आ रहा इस टाइम। लाल किला के क्या हाल है? आज तो पूरा अंडर पास के पूरा पानी भर गया, हनुमान मंदिर तक पानी पानी है। सबसे ज्यादा यमुना जी का पानी बाहर आ रहा है। अच्छा, ये दिक्कत है और क्या। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हम तो जी यू टर्न मार के आए शांतिवन से। अच्छा। कितना जाम मिल रहा है? जाम तो नहीं है। अच्छा। बस आगे आगे हमारी बसों को आगे जाने ही नहीं दिया। अच्छा। शांतिवन से आगे पानी भरा हुआ है, हनुमान मंदिर वगैरह पूरा डूब गया है। अच्छा। तो पुलिस वालों ने, पुराने दिल्ली की साइड क्या हाल है? पुराने दिल्ली सारा ही पानी पानी है। अच्छा। पूरी पूरी दिल्ली पुरानी दिल्ली में। सरकार कह रही थी हम तो झीलें बनाएंगे। सरकार क्या झीलें बनाएगी, बन तो गई झील, अपने आप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बन गई अपने आप। आगे तो पुराना जो पुराना पुल था वो तो सारा ही डूबा पड़ा, बंद कर रखा है। सड़क पर लोग उतर आए हैं? हाँ, सड़क पर लोग उतर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। अपना एंजॉय कर रहे हैं पानी में। एंजॉय कर रहे हैं, क्या करें, और बच्चे बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत नहा रहे हैं, अपने कर रहे हैं एंजॉय। घबरा नहीं रहे हैं बाढ़ आ जाएगी दिल्ली में? घबराए तो हुए हैं बच्चे। अच्छा। सारे बड़े वगैरह सारे अपना बोरी भी इस तरह लेके पैक करके इधर उधर रिक्शा पे लोड कर करके आगे जा रहे हैं। तो आपने लोगों की राय सुनी कि किस तरह से जो जल का भराव है वो बढ़ता ही चला गया है। राजघाट की स्थिति भी आप देख सकते हैं इस समय, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से छोटे बच्चे साथ में अपने परिवार के साथ आराम आराम से जा रहे हैं। हम लोगों से भी पूछेंगे कि इस समय इनका घूमना सही है, सवारी नहीं है, कैसे खाली हाथ आ रहे हैं? क्या खाली ने बच्चों को घुमाने लाए तो पानी भरा हुआ बंद पड़ा है। आप ही के बच्चे हैं? जी। बच्चे घूमने के लिए आ गए, आप लेकर आ गए, डर नहीं लग रहा आपको? क्या डर है, हमारे पास गाड़ी है, हम अपनी पानी मुझे जिधर बड़ा उधर नहीं जाएंगे। आप पानी से बाहर निकल कर आई हैं? पीछे पीछे। आप पानी से बाहर निकल कर आई हैं, इसमें गई क्यों, आपको डर नहीं लग रहा है? क्या मुझे नहीं लग रहा? आईटीओ से पानी आ गया यहाँ तक सर, राजघाट तक? नहीं, मैं ना इधर कम आता हूँ ना। अच्छा। मुझे पता नहीं था इधर का पानी, तो भी काफी रास्ते बंद कर रखे हैं, तो मैं नीचे से उधर से तब बूटर मार के तो इतने इतने पानी तब निकाल लाया हूँ गाड़ी जी। पानी तो बहुत भर गया, आधे पानी कई रास्ते बंद कर रखे इस साइड को, जो सरायकाले की तरफ से आते हैं वो बंद है पूरा, और वहाँ से जब अपने क्लच में राइट मार के उधर से निकल आते हैं। सवारी मिल रही है या नहीं मिल रही? सवारी आज चलाई नहीं ना मैंने गाड़ी। अच्छा। आज बच्चों के साथ घूमने आए हम लोग। हम और भी लोगों से बात करेंगे जो उस साइड से देखे कि आ भी रहे हैं लोग। यहाँ कुछ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बताइए उन लोगों को अंदर से डर बरसा हुआ है कि हम कैसे रहेंगे, दिल्ली के हाल बहुत बुरे हो रहे हैं और लोग यहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हो गई है इस समय वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। अंदर घूमने नहीं गए? अभी बंद हो गया ना बारिश। अच्छा। के कारण शायद बंद हो गए हैं। अच्छा, घूमने के लिए आए थे? हाँ, घूमने के लिए ही आए थे हम लोग। दिल्ली में लग रहा है बाढ़ आ जाएगी तो क्या हाल होगा? ऐसा तो संभावना नहीं है कि बाढ़ आएगी, अगर जो आ जाता है तो सर आईटीओ से राजघाट तक पानी आ गया, और क्या चाहिए? देखिए, हमें तो उतना नहीं पता कि बाढ़ आई है कि नहीं आई है।
आपको खबर नहीं है? खबर नहीं है, हम तो बिहार से आए ना। अच्छा। हम कल परसों से आए हैं तो हमें उतनी चीज नहीं। बिहार में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है बाढ़ से। हाँ बहुत ज्यादा जी। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए बाढ़ जो है ना, तो बाढ़ तो आ गया हर साल, मतलब ये फिक्स प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इसका सोल्यूशन जब तक कोई भी बड़ा पदाधिकारी या बड़ा नेता जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक तो ये झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चाहे आप मीडिया वाले हो जाए या कोई बड़ा मंत्री हो जाए, कुछ भी, ये किसी को भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा और इसके लिए पब्लिक को भी जागरूक होनी पड़ेगी, तब जाके इसका सोल्यूशन मिलेगा। पब्लिक जागरूक नहीं है? बिल्कुल पब्लिक जागरूक है, लेकिन एकजुट होने का जब समय आता है तो वो भाग जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए पब्लिक को चाहिए कि वो जागरूकता के समय जब टाइम आए तो वो दिखाए, चाहे इलेक्शन के टाइम हो या किसी और टाइम हो। और दूसरी बात, यहाँ पे दिल्ली NCR में देख रहे हैं तो यहाँ पे बाढ़ पानी लगी हुई है, जबकि ये बहुत ही फेमस एरिया है जी। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। फेमस एरिया की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि लाल किला के अंडरपास में तो पूरा पानी भर गया है, आपको मालूम है? जी बिल्कुल, वहीं से होके आ रहे हैं हम लोग, है ना, देख कर आए हैं क्या हालत है। बहुत खराब हालत है, मैं वहाँ पे देख के आ रहे हैं हम लोग, और जिस कारण से वो बंद पड़ा हुआ है। तो यही घूमने के लिए गए थे? बिल्कुल घूमने के लिए गए थे हम लोग, यही मतलब दो दिनों से हम लोग दिल्ली घूम रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि मतलब हम लोग अंदर जा भी नहीं पाए, गेट लगा हुआ था तो हम लोग को पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो वहाँ पे बहुत सारे दूर दूर के भी टूरिस्ट आए हुए थे जो घूम के गए हैं उससे। ठीक है, तो इसलिए मतलब व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ के जो एरिया के जो भी मिनिस्टर्स है जो भी है, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ की हालत को सुधार। तो हमने लोगों से खास बातचीत करी कि जो लोग यहाँ पे राजघाट में घूमने के लिए आए थे वो घूम नहीं पाए। आप देख भी सकते हैं पानी का भराव है ना, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है कि सड़क के बंद कर दी गई है, सरकार की तरफ से अलर्ट तो दे दिया गया है बट कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे। आखिर क्या सरकार किसका इंतजार कर रही है, हम पूछना चाहेंगे। और आप भी अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय विचार है। तब तक देखते रहिए जनहित आवाज़।